Assalamualaikum and welcome to a new vlog. तो जी ये है मामू का घर और मामी हमें करा रही हैं बहुत ज़बरदस्त नाश्ता. और सर्दियों में तो कुछ भी खाओ पियो मज़ा ही आता है. तो ये है चिवड़ा जो हम मटर के साथ खाते हैं, फ्राइड मटर के साथ. बेसिकली इतना डीप फ्राई नहीं होता, हल्का सा शैलो फ्राई होता है और बहुत मज़े का होता है और ये मुझे बहुत पसंद है. और ये मामी निकाल रही हैं गर्मा गर्म कॉर्न सूप जो कि पी के आ जाएगा सर्दियों में मज़ा. मैं तो भाई हर छोटी से छोटी चीज़ खाने की इंजॉय करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हर चीज़ हमारे लिए अवेलेबल की हुई है. और दूसरी बात कि हम हर चीज़ खा सकते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी सेहत अच्छी है, हम हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं. तो ये कितनी बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की कि हम किसी बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी मसले के हर चीज़ खा सकते हैं, हज़म कर सकते हैं. तो ये भी एक नेमत होती है जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए. और सूप मामी ने बहुत मज़े का बनाया था, पी के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. और ये होता है थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची और थोड़ा स्पाइसी, तो खा के बहुत मज़ा आ जाता है. अच्छा जी, तो अब हम मामी के घर से आ चुके हैं और अब हम यहाँ आए हैं कुछ शॉपिंग करने. हमें मुस्तफ़ा के शूज़ लेने थे तो हम वो लेने आए हैं यहाँ पर. तो आयशा की परेशानी आप देख सकते हैं, आयशा जो है वो बार बार कुछ ना कुछ देख के आ रही हैं और मुझे बुला रही हैं कि मामा इधर आए, मुझे कुछ दिखाना है. तो उसका मतलब होता है कि मुझे ये लेना है. तो ये सब काम जो है ना ये बाबा ही करते हैं, शूज़ पहनाने के उतारने वाले काम ना बाबा ज़्यादा अच्छे करते हैं, तो ये बाबा ही करें. और मुस्तफ़ा ना अभी तक सिर्फ बाबा बोलता है, मामा नहीं बोलता, सिर्फ बाबा बोलता है वो. मामा ने उसको बोलने की ज़रूरत अभी तक महसूस नहीं हुई है. तो जी हम जा रहे हैं वापस घर और हो गई है बहुत रात और अब हम जाके सो जाएंगे क्योंकि कल स्कूल है और ऑफिस भी है. लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम आपको एक और चीज़ दिखाने वाले हैं अभी. अब हम आ गए हैं छत पे और अब हम काटेंगे आयशा के बाल. बाल कटने वाले हैं, ये देखिए मैंने पूरे अपने बाल अच्छी तरह से दिखा दिए हैं, आपको मेरे पास है. अच्छा जी, तो अब हमने आयशा के बाल काटना शुरू कर दिए हैं और अब पहले मैं इनको सेक्शंस में करूँगी और फिर जो है वो काटना शुरू करूँगी. और बहुत आयशा मुझे तंग कर रही है, बहुत हिला रही है सर. और मुस्तफ़ा को मैंने बिठा दिया था झूले में लेकिन वो भी अब झूले से उतर चुका है और वो भी हमें बहुत तंग कर रहा है. आयशा जब से छोटी है तब से मैं आयशा के बाल खुद ही काट रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा सिर्फ मैं आयशा को लेके गई थी बाल कटवाने और आयशा इतना रोई थी कि जो बाल काटने वाली थी बेचारी वो भी परेशान, मैं भी परेशान. तो उसके बाद मैंने ख़ुद से YouTube पे देख देख के आयशा के बाल काटना शुरू किए
और सही कट भी जाते थे, तो फिर मैंने खुद ही काटना शुरू कर दिए और अब मैं आयशा के बाल खुद ही काटती हूँ। ये मुस्तफ़ा ने बहुत डिस्टरबेंस मचाई हुई है, बार बार ट्राईपॉड गिरा दे रहा है, बार बार सीज़र उठा ले रहा है, बहुत तंग कर रहा है ये लड़का। पहले मैं रूम में काटती थी आयशा के बाल, लेकिन यू नो बच्चों बच्चे हैं तो मैस बहुत करते हैं, तो रूम में बहुत ज़्यादा मैस हो जाता था। फिर मैंने बाथरूम में ट्राई किया तो वहाँ भी बहुत मैस हो गया और उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो गया। तो अब मैं जो है वो छत पे आयशा के बाल काटती हूँ, और छत पे जो है वो सफाई करना आसान होता है, तो इसलिए छत पे ज़्यादा गंदगी नहीं होती। और ये जो है आयशा के बाल कट चुके हैं, आप देख सकते हैं मैंने थोड़े शॉर्ट कर दिए आयशा के बाल। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज़।